नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो मिशन 400 पार को लेकर जुटी है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा। संभल, बरेली और बदायूं में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनता से वोट करने की अपील। दोपहर लगभग 12 बजे असमोली में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे बदायूं लोकसभा के गुन्नौर में करेंगे जनसभा। और एमपी के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। 3:35 पर अंबाला बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा। और ऐसे में एमपी के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 3:35 पर अंबाला बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार। तो मिशन 400 पार को लेकर जुटी है बीजेपी। और इस दौरान बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा। संभल, बरेली और बदायूं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि दोपहर लगभग 12 बजे असमोली में करेंगे जनसभा और दोपहर 1 बजे बदायूं लोकसभा के गुन्नौर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। 3:35 पर अंबाला बरेली में करेंगे चुनावी हुंकार। भरते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी की पूरे रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए ताबड़तोड़ दौरे पर। और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। कभी रोड शो तो कभी जनसभाएं, जनता के बीच में पूरे तरीके से बीजेपी को साधने की कोशिश। और इस दौरान अगर बात करें तो तमाम उपलब्धियों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान अपने जनसभा में करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ दौरा है। और ऐसे में बात करें, संभल, बरेली और बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे असमोली में जनसभा है। उसके बाद दोपहर 1 बजे बदायूं लोकसभा के गुन्नौर में जनसभा। और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और 3:35 पर अंबाला बीजेपी बरेली में भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। तो संभल, बरेली और बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें, लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज की बात करें तो 3 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जिसमें से बात करें 3:35 पर अंबाला बरेली में भरेंगे चुनावी हुंकार। मिशन 400 पार को लेकर जुटी है बीजेपी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा। और ऐसे में संभल, बरेली और बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। दोपहर लगभग 12 बजे असमोली में जनसभा करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे बदायूं लोकसभा के गुन्नौर में जनसभा करेंगे। और एमपी के सीएम मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और 3:35 पर अंबाला बरेली में भी भरेंगे चुनावी हुंकार। और इसी पर आपको बता दें कि इस दौरान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बदायूं से पवन तोमर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और वहीं अभिषेक कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बदायूं की बात करें, क्योंकि बदायूं में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी यहां पर पूरे दमखम के साथ में, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे चुनावी जनसभा को करने के लिए, वहां पर क्या कुछ तैयार और क्या कुछ समीकरण? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरा है। ये जो है विधानसभा गुन्नौर पड़ती है, बबराला में इनकी जो है जनसभा होगी। वहां पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी साथ में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है बदायूं के लिए, इस समय दो दो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये गढ़ है गुन्नौर यादवों का। वो किस तरीका से जो यादव को वोट बैंक जो है बीजेपी के कैसे सेंधमारी की जाए, इसीलिए जो है क्या बीजेपी कैसे जोड़ा जाए, उसी के लिए जो है मोहन यादव भी है, वो भी साथ में आ रहे हैं। तो ये दो दो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बदायूं की सीट बहुत ही अहम रहेगी, जिस तरीका से ये जो है तीसरी बार आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो बार पहले आ चुके हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। तो बदायूं के लिए ये जो तीसरा चढ़ है बहुत ही अहम रहेगा दोनों पार्टियों के लिए, चाहे सपा हो या बीजेपी हो। सपा से जो है आदित्य यादव हैं, जो शिवपाल यादव के पुत्र हैं, उनको जो है उतारा गया है। पहले यहाँ से नाम चला था धर्मेंद्र यादव का, वहां से हटके फिर शिवपाल यादव का नाम चला, फिर अब आदित्य यादव आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत ही अहम बदायूं की सीट रहेगी,
क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी वो भी यहाँ से जो है आते हैं, तो उनका भी जो है छवि यहाँ पर जो है वो अगर किसी प्रकार से यहाँ जो जो खुशवैम इनका रेजिडेंस है, रहना है बदायूं में, तो ये भी त्यावर तौर जो है सभाएं कर रहे हैं, तबाह मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी कारण से यहाँ से बीजेपी अगर हारती है तो इनका भी जो है दाव प्रेस्टेज का मामला है, दाव लगी हुई है। तो ये यहाँ पर जो बदायूं की सीटें बहुत ही अहम रहेगी। प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की चूक नहीं हो उसके लिए लगातार प्रशासन जो लगा हुआ है, तो ये बदायूं की सीट जो है बहुत ही अहम रहेगी जी। ठीक है पवन, वापस लौटेंगे और बरेली से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर बात करें क्योंकि बरेली भी बेहद ही महत्वपूर्ण यहां पर सीट है और खास करके बात करें तो यहां पर बीजेपी का ये गढ़ मानी जाती है, ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ समीकरण बरेली का? जी आपको बता दें आज बरेली में लोकसभा क्षेत्र के फरीदपुर विधानसभा में आज जनसभा करेंगे, संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें 3:35 पर फरीदपुर में पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें जनपद बरेली की 2 लोकसभा सीट है जो कि बरेली सदर है और साथ ही आमला लोकसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र कस्सा जो कि 2 बार से सांसद, 3री बार चुनाव मैदान में, बीजेपी द्वारा भरोसा जता के उतारा गया है। साथ ही लोकसभा जो चुनाव है आमला सीट का, तो वहां पर नीरज मौर्य, तो भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, कांटे की टक्कर देखने में सकती है। और कहीं ना कहीं बरेली में जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का जो दौरा चल रहा है, जिस तरह से 2 बार मोदी का दौरा हो चुका है, वही 4थी बार योगी आदित्यनाथ जनपद बरेली में आ रहे हैं, जिससे लेकर आमला लोकसभा सीट की फरीदपुर विधानसभा में संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेस्टीज अभी इशू बना रखा है यहाँ पर बीजेपी द्वारा, कहीं ना कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, लगातार खड़े की बात की जाए। कल डिप्टी सीएम सुरेश पाठक ने आके आमला लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है सांसद धर्मेंद्र कश्यप के पक्ष में सम्मेलन को संबोधित किया था। कहीं ना कहीं डेली बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बरेली में आगमन हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता आगामी 7 तारीख को किस कदम रखती है। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें तो संतोष गंगवार यहां से प्रत्याशी भी रहे हैं और अब इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए क्या थोड़ी बहुत मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। संतोष गंगवार जब आठ बार सांसद रहे थे टिकट कटने के बाद में, तो कहीं ना कहीं खासा नाराजगी थी पूर्वी समुदाय में, कहीं ना कहीं बहुत ही जताया गया था। लेकिन मोदी की जिस तरह से रैली हुई है, मोदी की रैली में जिस तरह से उन्होंने मंच को साझा किया है, और वो रैली के दौरान जो योगी जी आए हुए थे, योगी रैली में वो भावुक हो गए थे और उसको लेकर उन्होंने खासा संदेश दिया था। कहीं ना कहीं संतोष गंगवार है तो साथ में, लेकिन उस तरह से वो बीजेपी के अगर प्रत्याशी अगर होते, नौवीं बारी में अगर ये मौका दिया जाता तो बीजेपी की अलग ही लहर होती और अलग ही सीट होती। फिलहाल बरेली में भी कांटे की टक्कर देखने सकती है और बीजेपी ने सतपाल गंगवार जो भी पूर्व राज्यमंत्री रह चुके हैं उनसे भरोसा जताया है और उनको टिकट दी है। भाई बरेली की बात की जाए तो बरेली में जो पूर्व सांसद रहे प्रवीण सिंह यादव स्वाधीन पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, भाई बीजेपी सतपाल सिंह गंगवार है, वहां पर भी कांटे की टक्कर देखने में सकती है जी। बिल्कुल अभिषेक, वापस लौटूंगी और पवन हमारे साथ में बदायूं से लगातार बने हुए हैं। पवन, अगर बात करें बदायूं की, क्योंकि वहां पर यादव बेल्ट ये पूरी तरीके से है और समाजवादी पार्टी का एक कोर वोटर यहां पर यादवों को माना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर बात करें एमआई फैक्टर पर, तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? बदायूं की सीट जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि यहां पर जो पहले सांसद थे धर्मेंद्र यादव, वो 2 बार जो है यहां से सांसद रहे थे, वो विकास के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने विकास किया क्षेत्र में। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने उस गढ़ को खत्म किया, यहाँ से डॉक्टर संगमित्रा मौर्य थी वो सांसद बनी, उन्होंने जो है क्षेत्र में बहुत नामात्र विकास किया, उससे जो है नाराजगी यहाँ पर लोगों में देखने को मिली कि सांसद ने आके कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। दूसरा बात करें एमएच जो बहुत यहाँ फैक्टर है यहाँ पर जो है जो यादव बाहुल क्षेत्र है वहां, इसीलिए आज जो है सवा रखी गई है, मोहन यादव जी आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो उसमें जो है जो यादव हैं उन्हें किस तरीके से बीजेपी में जोड़ा जाए। वहीं उसकी तो बात करें जो है छत्रियों की, कुछ समय पहले जो है ये छत्री नारा चल रहे थे, ये बिलसी विधानसभा है वो जो है टोटल छत्रियों की 84 गांव लगते हैं, तो छत्रिय किस तरीके से जो है ये नारा चल रहे थे कि यहाँ से जो है हम लगातार दावेदारी करते हैं, प्रत्याशी भी पहले दिलासा दिया जाता है उसके बाद जो है नकार दिया जाता है, कोई छत्रियों का इसमें वजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस समय जो छत्रियों की नाराजगी थी वो भी जो है अब क्षत्रिय जो है जिस समय लगातार 2 बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आए थे, तो क्षत्रिय जो है जो जुड़ते हुए नजर आ रहा है बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए बहुत ही अहम है। अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से किसकी सीट निकल सकती है। दूसरा यहाँ पर जो है जो वोट बैंक था
सपा का, ये जो है जो सलीम शेरवानी थे वो यहाँ से जो कई बार जो पांच बार लगातार जो सांसद रहे थे वो कुछ समय पहले पिछले, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें पवन आज, तो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर के बीच में पूरी तरीके से बीजेपी की सेंध। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया पवन और अभिषेक मेरे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।